क्या बॉलिंग है भाई, माशाल्लाह भाई, माशाल्लाह माशाल्लाह भाई। आईसीसी वालों चुपचाप दे दो वर्ल्ड कप, बाकी टीमों वापस आ जाओ, दे दो, तुम्हारे पास कभी है जो इंडिया आग उगल रहा है, दे दो। इंडिया इस वर्ल्ड कप में अलग इंडिया बन के आया हुआ है भाई, आपको आप उनको किसी भी पॉइंट से पकड़ नहीं सकते। मेरे को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा भाई, 302 रन से जीत चुका है हिंदुस्तान भाई। वो बेसिकली अच्छी टीम है, वो वेल बैलेंस टीम है, ये नहीं है हमारा इख्तलाफात उनसे हो सकते हैं, लेकिन स्पोर्ट्स में वो A1 है। असल नंबर वन इंडिया, बॉलिंग में भी, बैटिंग में भी और फील्डिंग में भी, वो बाप है सबके। अली साहब, कोई दुनिया की कोई ऐसी बॉलिंग है तो आप मुझे एक बॉलर का नाम बताओ कि भाई जो इस टाइम शमी को कंपेयर कर सके। क्या बॉलिंग लाइनअप है, और भाई श्रीलंका का तो भाई क्रिकेट का करियर ही खत्म कर दिया हिंदुस्तान ने भाई। आप इंडिया से पहले बैटिंग करा लो, आप इंडिया से बाद में बैटिंग करा लो, वो हर बार डोमिनेट करते हैं। 7 मैच हो गए हैं, 7 मैच, और खुदा की कसम किसी एक मैच में भी इंडिया मैच से बाहर गया ही नहीं है। टीमों के लिए इज्जत यही है, बैठे मिलकर इतफाक के राय से भारत का हो गया भाई। आज तो हार श्रीलंका रही थी भाई, टट्टी हमारी निकल रही थी भाई, हमें नहीं आना सेमीफाइनल में, आप लोग ठोको जिसको ठोकना है सेमीफाइनल और फाइनल में, हम नहीं आ रहे भाई। हेलो गाइस, स्वागत है आपका अफेयर गोसिप्स न्यूज में। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हर बार की तरह फिर से एक बेनती है, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि आज भारत और श्रीलंका का मैच था, पर मैं ये कहना चाहूंगा, दशहरा तो अभी हाल ही में ही निकला है, पर असल में लंका आज दहन हुई है। इतना खौफनाक मंजर, 14 पे 6 आउट और 10 ओवर भी अभी पूरे नहीं हुए, और इससे पहले कि 20 ओवर पूरे हो पाते 55 रन पे पूरी टीम ही निपट गई। तो खैर, देखते हैं अब इस पर पाकिस्तानी मीडिया और क्या क्या कहता है। भाई आओ ना भाई, इंडिया तो भाई 7 में से 7 जीत गया, और मेरे घंटे का किंग अभी भी उसी पे है कि न्यूजीलैंड स्कोर आएगा, मैं स्कोर आऊंगा, फिर हम लेट जाएंगे, फिर हमारे ऊपर आ जाएंगे और हम जी सेमीफाइनल में चलेंगे। बेटा इस तरह नहीं होएगा, घंटा बजाना पड़ता है। आप इंडिया की बैटिंग लाइनअप देख, यार मेरी बात सुनो, आप इंडिया से पहले बैटिंग करा लो, आप इंडिया से बाद में बैटिंग करा लो, वो हर बार डोमिनेट करते हैं। 7 मैच हो गए हैं, 7 मैच, और खुदा की कसम किसी एक मैच में भी इंडिया मैच से बाहर गया ही नहीं है। वो पूरे मैच में मैच के अंदर रहते हैं और देन मैच जीत जाते हैं, और सिंगल हैंडेडली वो मैच जीतते हैं। मैच में फाइट भी नहीं अगली टीम को करने देते। स्पिन बॉलिंग उनकी बेहतर है, फास्ट बॉलिंग उनकी बेहतर है, बैटिंग उनकी बेहतर है, कप्तान उनका इस टूर्नामेंट का सबसे आउट क्लास का कप्तान है, और वो पकड़ के घंटा बजा रहे हैं। मेरे घंटे जिम्बाब्वे का भी उन्होंने घंटा बजाया था, मेरे जेड बी का भी उन्होंने घंटा बजाया था पकड़ के। भाई आप ना इजी में लिया, अब आओ ना फर्स्ट क्लास, थर्ड क्लास, सेकंड क्लास। अब्बू जी आए हैं उखाड़े है और चले गए हैं, अब्बू जी आए हैं खड़े और चले गए हैं। ये जो अब आओ ना आकिब जवेद, अब आओ जो तू कह रहा है कि जी इंडिया के पास तो जी फास्ट बॉलिंग निकल के नहीं आ रही, इंडिया की फास्ट बॉलिंग तो जी फारग है, तो ये है तो वो है। बेटा आप मुझे बता दो ना, मुझे बता दे कौन सी टीम है इस टूर्नामेंट में जिसकी फास्ट बॉलिंग इंडिया के करीब भी आ रही है। पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क, जॉश हेजलवुड भाई बेहतरीन बॉलर हैं, लेकिन वो भी इंडिया के पास नहीं आ रहे। मोहम्मद शमी, जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज, मुझे बताओ मेरे घंटे। अगर एक दिन में क्या होगा, ज्यादा एक बॉलर चल जाएगा, लेकिन उनके तीनों बॉलर ने विकेट ली है, मेरे घंटे डंडा दे दिया। शाहीन अफरीदी तो नहीं ना, टेपिया तो नहीं ना आएगा मार खाएगा। मैंने क्या बोला मिड मैच में कि किसी का बाप भी जसप्रीत बुमराह को पावर प्ले में चौका नहीं मार सकता, किसी का बाप भी जसप्रीत बुमराह को पावर प्ले में चौका नहीं मार सकता, चौका किसी का बाप भी, तो भाई मार के दिखा दो। बजा दिया है घंटा, बजा दिया है हिंदुस्तान ने भाई, हमको सेमीफाइनल में नहीं जाना, कल का मैच पक्का अफगानिस्तान हार गया क्या फायदा भाई सेमीफाइनल में जाके, दोबारा से बेइज्जती हो जाएगी भाई जिसको सेमीफाइनल में जाना है वो चले जाए भाई, हमने नहीं जाना भाई सेमीफाइनल में
यह बॉलिंग देखने के बाद ना शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ भी लाइक मुझे घर जाना है मुझे घर जाना है कहा भाई हिंदुस्तान के विराट कोहली से लोग परेशान, शुभमन गिल से लोग परेशान, रोहित शर्मा से लोग परेशान, और यहां पे देखो कि बॉलर जो है उन्होंने कयामत ढा दी भाई, बॉलर्स ने कयामत ढा दी भाई, बैटिंग अपनी जगह, बॉलर्स को देखो भाई, ये मैं क्या बोलू यार, क्या बोलू, बोलने के लिए अल्फाज ही नहीं है भाई। एक नॉर्मल मैच हिंदुस्तान जीत जाता तो बंदा तारीफ कर लेता के तालियां बजाता डांस कर लेता भाई, आज तो हार श्रीलंका रही थी भाई, टट्टी हमारी निकल रही थी भाई, हमें नहीं आना सेमीफाइनल में, आप लोग ठोको जिसको ठोकना है सेमीफाइनल और फाइनल में, हम नहीं आ रहे भाई तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट एंड जय हिंद।